चालीसे का तीसरा इतवार। आइए हम आज के इन पाठों पर हम मनन करें। पहले पाठ में हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में ईश्वर मूसा द्वारा इसराइलियों को 10 आज्ञाएं देते हैं। ये 10 आज्ञाएं इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसराइली इस पर गर्व करते थे कि अन्य किसी को ईश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपना ज्ञान प्रकट नहीं किए, केवल उन्हें ही ये आज्ञाओं के द्वारा ईश्वर अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। इसलिए इसराइली इस पर गर्व करते थे। इसराइली विशेष रूप से 3 चीजों पर गर्व करते थे। पहला नियम, दूसरा मंदिर, तीसरा देश। इन तीनों चीजों पर वे गर्व करते थे। तो उनमें से एक है ईश्वर के नियम। आज के भजन अनुवाक्य में जो अनुवाक्य हमें दिया गया है वो योहन अध्याय 6 पद संख्या 69 से लिया गया है। वो इस प्रकार है, हे प्रभु तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है, जिस पर संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं कि क्रूसित प्रभु का वे प्रचार करते हैं। यूनानी ज्ञान चाहते हैं, यहूदी चमत्कार, लेकिन हम क्रूसित प्रभु का प्रचार करते हैं। और सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु येसु यरूशलेम मंदिर को शुद्ध करते हैं, यानी वहां लोग जो बेच रहे थे उन सबों को भगाकर येसु उसका साफ सफाई करते हैं। एक प्रकार से उसका शुद्धिकरण किया जाता है येसु के द्वारा। बाहरी दौर पर जब हम देखें तो ये सभी पाठ और उसके साथ साथ जय घोष जो कि योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 से लिया गया है, जिस पर हम पढ़ते हैं ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जैसे मैंने कहा, ये बाहरी दौर पर हम यदि देखें तो हमें लगता है कि ये सब कुछ अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो इसलिए हमें इन सभी 3 पाठ, भजन अनुवाक्य और जयघोष, इन 5 में जो मुख्य बिंदु है या सामान्य जो बात है उसको हमें ढूंढ निकालना पड़ेगा। जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा, 10 आज्ञाएं ईश्वर के ज्ञान को प्रकट करते हैं, और दूसरे पाठ में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, लेकिन हम क्रूसित प्रभु का प्रचार करते हैं। और यह पाठ हमें 40 में तीसरा सप्ताह में दिया गया है। पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैसे ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को मेमने के रूप में प्रकट करते हैं, प्रभु येसु का रूपांतरण। और पहले पाठ में इसहाक को ईश्वर कैसे बचाते हैं एक मेमना उसके बदले में देकर। और आज हमें हमारे सामने येसु को ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर के चिन्ह के रूप में, चमत्कार के रूप में प्रकट किया गया है। क्यों? 40 काल में हमें ये बात दिया गया है मनन चिंतन के लिए, और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु येसु के दुखभोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए। कलीसिया के द्वारा ईश्वर ये 40 हमें दिए हैं कि हम अपने आप को तैयार करें। तो ये इस संदर्भ में ये पाठ क्यों महत्वपूर्ण है? ये पाठ इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सामान्य रूप से मनुष्य, जब हम आज भी ईश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं या ईश्वर के पास जब हम जाते हैं, हम अधिकांश हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर को सुझाव देते हैं। आप देते हैं कि नहीं है? नहीं देते हैं। अगली बार जब आप प्रार्थना करने ईश्वर के पास जाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कैसे प्रार्थना करते हैं। वास्तव में हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को हम सुझाव देने समान होता है।
हम उन्हें जानकारी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ना? बात यह है, हम चाहते हैं कि ईश्वर भी हमारे जैसे सोचे और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे समान सोचते हैं, जबकि वो बात नहीं है। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया के समय में भी, शायद आज भी, लोग क्रूसित यीशु को देखकर कहते हैं, ईश्वर को दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला मनुष्यों को बचाने के लिए। एक ऐसा ईश्वर है जो अपने आप को बचा नहीं सका, वो अभी हमें कैसे बचाएगा। इसलिए जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, उनके बाएं जो क्रूस पर टंगा हुआ था वो व्यक्ति इसलिए कहा, यदि आप ईश्वर का पुत्र है आप नीचे उतरो और हमें भी बचाओ, हमें बचाकर दिखाओ। आप कैसे ईश्वर हैं, आप क्रूस पर मर रहे हैं, क्या हम कभी सोचे नहीं इस बात पर, ये कितना कमजोर ईश्वर है। लेकिन संत पौलुस हमें बताते हैं, ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। ये चालीसा के समय में हमें ईश्वर उनके पास रहने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। जैसे पहले पार्ट में हमने देखा, 10 आज्ञाएं ईश्वर इसलिए दिए और वो 40 साल ईश्वर उन्हें मरुभूमि में इसलिए इसराइलियों को ईश्वर लेके चले, उनके विचारधाराओं को, उनके सोच को, उनके जीवन शैली को बदलने के लिए था। इन सब चीजों को बदलने के लिए ईश्वर उन्हें उस मरुभूमि में 40 साल लेके चले। कुछ दिनों की यात्रा के वो दूरी पर था प्रतिज्ञा देश, लेकिन ईश्वर 40 साल उन्हें उस मरुभूमि में रखे, क्योंकि ईश्वर उन्हें अलग ले जाकर उन्हें अपने समान, अपने अनुरूप में बदलने का, अपने ज्ञान से चलाने का प्रयत्न किए। और ये 40 दिन जो चालीसा के समय हमें दिया गया है, ये भी लगभग उसी प्रकार का है। हमारे उपवास, परहेज, जैसे हम पहले भी बताए हैं, ये सब हमें ईश्वर के ओर, ईश्वर के नजदीक ले जाने के लिए है। तो आज विशेष रूप से ईश्वर हमें पुनः आमंत्रित करते हैं, हम उनके पास जाएं, हम दुनियाई विचारधाराओं को छोड़ें, हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पास जाएं। और सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक चिन्ह के रूप में वहां प्रकट होते हैं। प्रभु कहते हैं, इस मंदिर को उठा दो, इसको तोड़ दो, मैं इसको 3 दिन में मैं इसको खड़ा कर दूंगा। और ये भी एक चिन्ह है, प्रभु यीशु का शरीर ही वास्तविक मंदिर है और वो भी ईश्वर का ज्ञान यहां खड़े हैं। 10 आज्ञाएं शब्द हैं, लिखे गए शब्द हैं, लेकिन यहां वो व्यक्ति है, ईश्वर का ज्ञान एक व्यक्ति के रूप में यहां खड़े हैं, ईश्वर का पुत्र। तो चालीसा में ईश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं, उनके पास जाने और उनके ज्ञान को अपनाने और उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। इसलिए उपवास, परहेज, दान देना और अन्य अच्छे अच्छे कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आज एक संदेश हम अपने साथ ले चलें, हम जब हमें मार्ग नहीं दिखता और हम देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे जीवन में संघर्ष है, समस्या परेशानी है, हम किसके पास सुझाव के लिए जाते हैं। ईश्वर आज हमारे सामने क्रूसित प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं हमारे लक्ष्य के रूप में, हमारे उदाहरण के रूप में, हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में, हमारे लिए ज्योति के रूप में। वही है ईश्वर का ज्ञान, हम क्रूस के मार्ग को अपनाएं। वास्तविक रूप से हम क्रिस्तीय अधिकांश कभी कभी सोचते हैं, विशेष रूप से जो नए लोग भी चर्च आते हैं या ईश्वर को जानने का प्रयत्न करते हैं, उन लोग ये सोचते हैं कि उनके जीवन में दुख, समस्या, परेशानी सब हैं, तो यीशु के पास आने से सब दूर हो जाएगा। और हम भी लोगों से कहते हैं, और वचन में भी लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुम आत्मा त्याग करो, यदि आप मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना आत्मा त्याग करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। यह क्रिस्तीय जीवन, यीशु का शिष्य बनना आसान नहीं है और ये कोई
इस दुनिया में जीने वाला एक जीवन नहीं है। ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं हमारे नजरिए को बदलने का, विशेष रूप से उनके पास बैठने के लिए। तो हम कोशिश करें 40 के समय हम ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें, जो कि प्रभु यीशु स्वयं है, उनकी शक्ति को हम पहचाने और चिन्ह और कहीं ना ढूंढे, प्रभु यीशु को ही अपनाकर क्रूसित प्रभु में हम ये सब देखें और अपने आप को तैयार करें, प्रभु यीशु के साथ चलें, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे पीछे हम यरूशलेम की ओर चलें। आप सभी को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।